आज प्रतियोगिता के इस दौर में हर कोई आगे बढ़ने की चाह में सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है। तमाम प्रयासों के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसे में स्ट्रेस, थकान, हाई ब्लड प्रेशर जैसी तमाम बीमारियां कम उम्र में ही इंसान को घेर लेती हैं। क्लिनिक में चक्कर लगाने से बॉडी को तो कुछ हद तक राहत पहुंचती है, लेकिन मानसिक शांति के लिए अब हर कोई वादियों की सैर पर नहीं जा सकता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम किसी ऐसी जगह पर रहें जहां पॉजिटिविटी हो, और इसके लिए मंदिर या किसी धार्मिक स्थल से बढ़कर कुछ और क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन जगहों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। इससे कई सारी शारीरिक समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जब हम किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो चप्पल बाहर छोड़कर नंगे पैर चलते हैं। इससे यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी पैरों के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। साथ ही साथ नंगे पैर चलने से पैरों में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स पर भी दबाव पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह जब हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं या आरती के समय ताली बजाते हैं तो इससे हथेलियों और उंगलियों में पाए जाने वाले पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है। इससे बॉडी के कई सारे फंक्शंस में सुधार आता है। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में सहायक है। एक रिसर्च के अनुसार जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो लगभग 7 सेकंड तक कानों में उसकी आवाज गूंजती है। इससे बॉडी को रिलैक्स करने वाले 7 पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जो एनर्जी लेवल को बढ़ाने में सहायक हैं। यहाँ जिस धुन में आरती या गाने गाए जाते हैं उनकी धुन या लय का सकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। यहाँ का शांत माहौल या शंख की आवाज मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। मंदिर में मौजूद कपूर और हवन का धुआं बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इससे वायरल इन्फेक्शन का खतरा टल जाता है। भवों के बीच माथे पर तिलक लगाने से हमारे ब्रेन के एक खास हिस्से पर प्रेशर पड़ने से कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। यानी कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और मानसिक थकान को बचाने के लिए धार्मिक स्थलों पर हर रोज कुछ समय बिताया जा सकता है। इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अपनी दैनिक समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं।